सांसद जी, सबसे पहले तो आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपकी शिक्षा अनुभव और जीवन। मैं राजा राम पाल, पुत्र स्वर्गीय श्री रामनाथ पाल, निवासी ग्राम सिरो, पोस्ट पर लालपुर, तहसील घाटमपुर, कानपुर नगर का हूँ। मैंने बीए एलएलबी एडवोकेट 16 साल वकालत करने के बाद मैं राजनीति क्षेत्र में आया। मैं 96 में एमएलए घाटमपुर से चुना गया, जो मेरा बर्थ प्लेस है, और 2004 में मैं बिल्होर पार्लियामेंट से एमपी चुना गया। 2009 में अकबरपुर रनिया पार्लियामेंट है, उसी का नाम बदल गया, उससे एमपी चुना गया। अब तक मैं 7 पार्लियामेंट और 3 विधानसभा लड़ चुका हूँ, एमपी एमएलए दोनों रह चुका हूँ। पेशे से वकील था। मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड कृषि का था, व्यापार का था। मैंने कानपुर में आके शिक्षा के बाद वकालत शुरू की और वकालत में रहते ही राजनीति क्षेत्र में आया। लेकिन मैंने राजनीति में आने से पहले विभिन्न राजनेताओं से मैंने पूछा कि मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ, लेकिन पूछो क्यों। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य उन करोड़ों के लिए ज़िंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे अराजनैतिक क्षेत्र हो। और उसी उद्देश्य से मैं बहुजन समाज पार्टी में आया, वहाँ से 96 में एमएलए बना, 2004 में एमपी बना, 2009 में नामिनेशन के आखिरी दिन कांग्रेस में आकर फिर एमपी चुना गया। तो इसलिए मेरे बारे में तो ये जान लो कि एमपी एमएलए मिनिस्टर बनने से पहले मैं आदमी रहना चाहता हूँ। और जो कांग्रेस का एजेंडा है, मुझे ऐसा लगता है मैं कांग्रेस के लिए पैदा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा है, मूल मंत्र है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। मैं उसी के लिए पैदा हुआ हूँ, बहुजन समाज पार्टी में भी रहकर और कांग्रेस में आकर। हमने समाज के, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, कांग्रेस समाज के उस अंतिम व्यक्ति की बात करती है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हम जैसे लोगों के पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो, उस समाज के अंतिम व्यक्ति की कोई बात करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। और जो कांग्रेस का एजेंडा है, जो स्लोगन है, वही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। हमने पूरे 30-35 साल के सार्वजनिक जीवन में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र आज तक नहीं पूछा। आने वाले का हम काम पूछते हैं। लोगों को सार्वजनिक जीवन में जात, दल, धर्म, क्षेत्र नज़र आते हैं, हमारे कंप्यूटर में गड़बड़ है, हमें सारे भाई सारे इंसान नज़र आते हैं। इन 30-35 वर्षों में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता, मैं नहीं जानता। लेकिन इन वर्षों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है, जिसके बारे में पहले कहा है कि जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या एक्सप्रेस करने के शब्द ना हो, वो 150 किलोमीटर दूरी पर 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है कि अभी राजा रामपाल के पास जाएंगे, मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा, यही मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है। अगला सवाल हमारा आपसे कि आप समाज की अगुवाई क्यों करना चाहते हैं या चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, कोई व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले कहा कि मैंने राजनेताओं से पूछा था कि मैं उस रहबर की तलाश में, उस रास्ते की तलाश में हूँ जिस रास्ते में चल के करोड़ों के लिए कुछ किया जा सकता। मैं अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए अकेले पैदा नहीं हुआ, मैं तो करोड़ों के लिए पैदा हुआ हूँ। और करोड़ों के लिए अगर कुछ मदद करनी है
तो लोकतंत्र में उससे बड़ा और कोई जरिया नहीं हो सकता, इसलिए मैं राजनीति में आया। क्षेत्र के लिए आपके 5 मुद्दे कौन से हैं जिन पर आप कार्य करना चाहते हैं? क्षेत्र में तो देखो, मैंने बताया कि मैंने शुरुआत से ही 2 जिले टारगेट किए, और 2 जिले में किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, जो मैंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र में आने के बाद जो उद्देश्य हमारा है, समाज के अंतिम व्यक्ति के वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसकी समस्या के लिए, जो संत गुरु महात्मा जो हमें रास्ता दिखा गए हैं, उसी पर चलने का तो उद्देश्य है। विकास शाश्वत पर किया है हमने अपने टाइम में। सबसे बड़ी ज़रूरत जो आदमी आज की बिजली है, आवश्यकता है, जो जीवन रेखा है, उसके लिए हमने घाटमपुर अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में अपने टाइम में UPA 2 में पावर प्लांट की स्थापना की, 4000 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना हो चुकी है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूरे यूपी को बिजली दे सकता है, उसका उद्देश्य। प्लस जो सड़क निर्माण था, जो ट्रेन थी उनको रुकवाना, प्लेटफार्म बनवाना, बहुत सारे काम हमने किए हैं। और जो सबसे बड़ा हमने काम किया है, हम लोग राजनीति में, हमने आने के बाद चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए, हमारी जिंदगी का उद्देश्य है कि हम 2 धर्मों को आपस में नहीं लड़ाएंगे, जो आज राजनीति का पहला पहलू बन गया है। 2 जातियों को आपस में नहीं लड़ाएंगे, 2 धर्मों को आपस में नहीं लड़ाएंगे, 2 परिवारों को आपस में नहीं लड़ाएंगे, 2 भाइयों को आपस में नहीं लड़ाएंगे। हम MP MLA बने चाहे ना बने, अगर घटिया काम को राजनीति कहते हैं तो ये घटिया काम हम कभी नहीं करेंगे। सांसद जी, आपके मुताबिक भारत के 5 प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दे जिन पर हम आपकी समझ और राय और समाधान चाहते हैं? आज जो सबसे बड़ी जो नेशनल प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयमेंट है। आज जो नौजवान है वो भटक रहा है, पढ़ लिख करने के बाद माँ बाप इसी उद्देश्य से पढ़ाता है कि लड़का पढ़ लिख जाएगा तो पैसा पैदा करेगा, और जब उसके पढ़ने लिखने के बाद कोई रोजगार नहीं मिलती, पैसा पैदा नहीं करता है, तो पिता पुत्र से, पुत्र पिता से बात नहीं करना, संवादहीनता कारण लड़का दिशा भटक जाता है। तो सबसे जो नेशनल प्रॉब्लम है इस देश में वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और सेकेंडरी जो प्रॉब्लम है इस देश में वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार केवल पैसे का लेन देन नहीं है, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, वो समाप्त हो रही है। अगर पिता का धर्म पुत्र नहीं निर्वाह करता, पुत्र पिता का धर्म नहीं निर्वाह करता, पुत्र का धर्म नहीं निर्वाह करता, ये भी भ्रष्टाचार है। मिलावट केवल सरकारी दफ्तरों में लेन देन से अकेले भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट आचरण, किसी जो नेचुरल डिवाइस है लोगों की, उससे हट के जो भी काम हो रहा है वो भ्रष्टाचार है। तो इसलिए इसके लिए दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, इस लोकतंत्र को और अगर मजबूत बनाना है तो लोग को तंत्र के प्रति, तंत्र को लोग के प्रति जवाबदेह बनाना होगा, जो आज के लोकतंत्र में नहीं है। इसलिए साथियों, आज समस्या इस बात की है कि हमें लोग को तंत्र के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए, लोग को हमें जवाबदेही तय करने के लिए हमें उसके लिए करना होगा। उसके लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि जैसे हमने उत्तराधिकार कानून बना करके पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्रियों का बराबर का हक दे दिया, उसी तरह जब नेशनल प्रॉपर्टी जो भी है देश में, सकल घरेलू उत्पाद से जो नेशनल इनकम है, उस इनकम में जब तक हमें प्रत्येक भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति का शेयर नहीं निर्धारित करेंगे, जैसे कोई पिता 4 बेटे हों, उसको 3 बेटों को तो वो ध्यान दे, 1 बेटे को ना ध्यान दे, तो वो पुत्र पिता के पर जवाबदेह नहीं होगा। ठीक उसी तरह से कि आज जो वोटर है वो वोट क्यों डालने जाए, निर्वाचन आयोग की बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगाने के बाद, एडवर्टीजमेंट करने के बाद भी आज प्रतिशत बजाय गिरने के नोटा में भी बड़े पैमाने पर आ रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग के पर तंत्र और तंत्र के पर लोग जवाबदेह हो, इसलिए हम लोगों ने कहा था सकल घरेलू उत्पाद से जो नेशनल इनकम है प्रति इनकम, उस इनकम में 50%, जब हम कहते हैं कि 90% पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है, तो हमने 50% पैसा कहा था कि 50% पैसा तो विकास कार्यों में लगाइए, और 50% इस देश के जितने भी 18 वर्ष से ज़्यादा नौजवान हैं उनको
प्रति माह उनकी नेशनल इनकम के रूप में उनको सीधे उनके खाते खुलवा करके उनके खाते में जाए, ताकि वो लोग के पर जवाब दे रहे कि अगर हम अच्छा मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे, अच्छा प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, तो हमारी नेशनल इनकम गिरेगी, और नेशनल इनकम गिरेगी तो हमारी इनकम गिरेगी। आज सवाल इस बात का है कि लोग कल्याण के नाम पर, वो चाहते हैं सड़क बन जाए, नाली बन जाए, बिजली लग जाए, पार्क बन जाए, अच्छा वातावरण हो जाए, लेकिन लोग उस सड़क के पर जवाब दे नहीं है। वो क्या कहता है, ये सरकारी सड़क है, ये सरकारी नाली है, तो उस नाली को बंद कर देता है, सरकारी सड़क को तोड़ने में कोई झिझक नहीं करता, कटिया डाल के बिजली पूरे इलाके के ध्वस्त करने में वो संकोच नहीं करता, सामने अगर पार्क पड़ा है तो उसकी कोई ईंटें ले जा रहा है, उसका कोई गेट ले जा रहा है तो उसको रोकने का काम नहीं करता, चूंकि ये मानता है ये सरकारी है। जिस दिन उसे ये पता चल जाएगा कि इस देश में, भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जो सकल घरेलू उत्पाद में इनकम है, उसमें प्रत्येक का शेयर है, तब वो उस नाली को बंद नहीं करेगा, उस सड़क को तोड़ने का काम नहीं करेगा, उस बिजली को ध्वस्त करने का काम नहीं करेगा, तब पार्क को पार्क बनाए रखने का काम करेगा, जब उसे लगेगा राष्ट्र हमें ये दे रहा है। और उससे, उस काम से भ्रष्टाचार भी रुकेगा, तब जब सड़क बन रही होगी तो उस इलाके के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क बनवाएंगे, ताकि ये जल्दी न टूटे, इसकी गुणवत्ता ठीक रहे, ताकि लंबे समय तक चले, ताकि नेशनल इनकम बढ़े। आज तो एक अन्य मार का हैंडपम्प एमपी मेरे लगवाता है, 8 दिन में नहीं चलता, क्योंकि उसमें कोई वाशर डलवाने का काम नहीं करता, कोई हैंडल खोल के लिए जा रहा है, चूँकि सरकारी है। तो हमें ये फ़र्क समझना होगा। जिस दिन ये समझ में आ गया, हमने लोग को तंत्र के पर, तंत्र को लोग के पर जवाबदेह बना दिया, उस दिन देश फिर मजबूत हो जाएगा, और अल्लामा इकबाल का शेर वो बुलंद हो जाएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लास्ट हमारा आपसे प्रश्न ये है, इस वैश्विक परिदृश्य में भारत को क्या करना चाहिए और किन किन विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? देखो, ये गांधी का देश है, और गांधी जी ने, यहाँ 125 करोड़ पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट मैंने पहले कहा बड़ी समस्या है, तो यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट के लिए छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, बड़े बड़े अंडानी अम्बानी जैसे लोगों को यहाँ कतई, जो और जो इस देश को करना चाहिए वो समान शिक्षा पर मेरा जोर है। अगर मेरा जैसा आदमी कभी पावर में आया तो हम चाहेंगे, राजा और रंग का कर, वोट का एक अधिकार है, तो शिक्षा भी राजा रंग की एक स्कूल में होनी चाहिए, एक सिलेबस में होनी चाहिए, तब पता चल जाए कि गरीब का बेटे में ज़्यादा टैलेंट है कि अमीर के बेटे में टैलेंट है, राजा के बेटे में टैलेंट है या रंग के बेटे में टैलेंट है। तो शिक्षा एक समान होनी चाहिए, और जिस दिन हम शिक्षा दे दी, उस दिन किसी को कुछ खैरात देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जिस देश को अगर सबसे बड़ी ज़रूरत है तो तालीम की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, वो भी एक समान शिक्षा की ज़रूरत है, ताकि लोगों में क्वालिटी आए। और जिस दिन शिक्षा एक समान हो गई, जिस देश में करोड़ों भूखे सो जाते हों, करोड़ों नंगे घूम रहे हों, करोड़ों सड़क पर सो रहे हों, करोड़ों बिना पढ़े लिखे अंगूठा लगा रहे हों, करोड़ों दवा के अभाव मर रहे हैं, उस देश में हम कैसे कल्पना कर रहे हैं, उनमें हम धर्म ठूंस रहे हैं, उनमें हम जात ठूंस रहे हैं, उनमें हम लोकतंत्र घूम से सब बाउंस जा रहा है, नहीं लाना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने खादी पर जोर दिया था, इसीलिए गांधी जी ने तकली काटने के लिए, चरखा काटने के लिए जोर देने का काम किया था। तो हमें कुटीर उद्योगों पर बहुत ज़बरदस्त बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वैश्वीकरण खत्म हो। ये वैश्वीकरण इस देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए जहाँ 125 करोड़ जनसंख्या है, उसके लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी, तो पहले इस देश में जो हर, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हमें लोग को तंत्र के पर, तंत्र को लोग के पर जवाबदेह बनाना होगा, ताकि भारत फिर से सुदृढ़ भारत बन जाए। यही हमारे मनीषियों की, गुरुओं की, संतों की इच्छा थी। हम ऐसा भारत बनाना जाना चाहते हैं जिसमें हम लोग कह सकें सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।